when any colloidal substance come in contact with the pseudopodia. then the plasma lemma of that side forms the penocytic channel. It is through these pinocytic channel in the pseudopodia that the liquid food enters into the cytoplasm and forms small vesicles. We can say that the internal end of the channels break off, forming penocytosis vesicle or pinocytosome containing the engulfed food material. The penosomes later on are transported. To the interior of the cell where they fuse with the lysosome. Lysosome contains the digestive enzymes. It is, though, yet to be confirmed by experiments whether penocytosis. इज़ नॉर्मल मीन ऑफ इंजेक्शन इन अमीबा हालांकि कोशि अमीबा में कोशिका पायन देखा जाता है परंतु अभी भी ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सिद्ध करना बाकी है कि क्या यह अमीबा में एक आ, सामान्य प्रक्रिया है खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के लिए Next step in nutrition of amoeba is the digestion. Digestion takes place in a primary food vacuole after it gets embedded in the endoplasm. The content of food vacuoles are at first acidic due to HCl, but later they become alkaline the living food dies in acid phase the protoplasm secretes enzymes into the vacuole which convert the proteins into amino acid starch into soluble sugar fatty acid into glycerols and fat into fatty acid and glycerols अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानियों में होता है अतः इन्हें जठर धानियां भी कहते हैं गैस्ट्रिक विक्योल इसमें पाचन अंत कोशिकीय होता है इन फूड विक्योल्स व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड this type of digestion is known as intracellular digestion where the food is being digested in inside the food vacuole विभिन्न पाचक एंजाइम्स लाइजोजोम में एकत्रित रहते हैं ये लाइजोजोम खाद्य धानी के साथ जुड़कर इनमें एंजाइम पहुंचाते हैं प्रत्येक खाद्य धानी का माध्यम पहले अम्लीय होता है व बाद में क्षारीय होता है क्योंकि विभिन्न एंजाइम्स अलग अलग पीएच पर सक्रिय होते हैं अम्लीय माध्यम एच के कारण होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है यह शिकार को निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव कर करने व गलाने के काम आता है इस प्रवस्था में भोजन का पाचन नहीं होता अपितु तो भोजन नरम होकर फूल जाता है अब लाइजोजोम खाद्यधानी के साथ जुड़कर इसमें पाचक एंजाइम प्रयुक्त करते हैं इसी समय खाद्य धान्यों का माध्यम क्षारिय हो जाता है एंजाइम्स में प्रोटीएज एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन पेप्टिडेज, प्रोटीनेज आदि प्रोटीन का पाचन कर उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं पाचक एंजाइम्स में फैट पाचक एंजाइम लाइपेज भी पाया जाता है जो कि वसा यानी फैट को डाइजेस्ट कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है अमीबा में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स की उपस्थिति संदेहास्पद है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम इज एन एनिग्मा एन इज नॉट येट Uh, been discovered whether the carbohydrate digesting enzymes are present or not the digestion of food in amoeba is said to be intracellular in contrast to the extracellular digestion in higher animals like earthworm frog where the digestion takes take uh, takes place in the elementary canal assimilation the digested food water and minerals are absorbed by the surrounding protoplasm by a simple process of diffusion in amoeba the food vacuole constantly moves about in streaming endoplasm Bicyclosis and directly supply nourishment to all parts of the cell. In the protoplasm, the digested food gets assimilated to build new protoplasm. Swangi karan ek Khadya dhani endoplasm Mein पंद्रह से बीस घंटे तक रहती है फूड वेक्यूल रिमेन्स इन एंडोप्लाजम फॉर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी आवर्स तब तक ही इसमें भोजन का पाचन पूरा हो पाता है पाचन की क्रिया के दौरान प्लाज्मा सॉल में होने वाली चक्रीय गति के कारण यह खाद्य धानी निरंतर एंडोप्लाज्म में घूमती रहती है वह इसी दौरान पाचित यानी डाइजेस्टेड फूड रिस रिस कर पूरी कोशिका में वितरित यानी कि डिफ्यूज़ हो जाता है दी फूड और द डाइजेस्टेड फूड इज़ by द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द digested फूड गेट्स assimilated into the protoplasm पाचित भोजन उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है यही इसका स्वांगीकरण कहलाता है अमीबा भोजन द्वारा प्राप्त आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड को अमीनीकरण द्वारा अमोनिया व शर्करा में बदल देता है अमीबा कन्वर्ट्स दी एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस मटीरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन इट कन्वर्ट्स देम इनटू अमोनिया एंड शुगर ग्लाइकोजन के रूप में तथा वसाओं को भी संचित करने की क्षमता रखता है इट ऑल्सो कन्वर्ट्स दी एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस मटीरियल इंटू ग्लाइकोजन एंड फैट इजेशन खाद्य धानी में से पचित भोजन के वितरण के बाद शेष बचे अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया इजेशन कहलाती है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड पार्टिकल्स और फूड मटीरियल इज नोन एज इजेशन अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है उसे कहीं से भी बाहर निकाला जा सकता है इस क्रिया में जिस खाद्य धानी में केवल अपचित भोजन रह जाता है वह चक्रीय गति से अपने आप को पृथक कर स्थिर हो जाता है जैसे जैसे अमीबा किसी दिशा में आगे बढ़ता है वैसे वैसे यह धानी पीछे धसती जाती है और अंत में अमीबा के अस्थाई पिछले छोर से बाहर निकाल दी जाती है जब यह धानी प्लाज्मा कला के संपर्क में आती है तो यह अकस्मात ही फट जाती है वह इसे बाहर निकाल देती है फिर तुरंत ही वापस जुड़ जाती है इस प्रकार अपचित भोजन का बहि होता है The undigested रेसिड्यू ऑफ फूड vacuole इज वेस्ट which is heavier than protoplasm, hence it gravitates towards the posterior end from where it is dropped out by amoeba's forward-moving uh, function or locomotion. Ejection of undigested particle occurs from no fixed point, they pass out of the body from the surface through no special opening. The process of ejection is thus said to be accomplished when the amoeba is moving forward the food vacuole containing undigested. Residue became, uh, becomes uh, stationary, it does not move along the protoplasm as it was moving for the assimilation of food, where the digested food materials were uh, getting out of the vacuole by means of diffusion. After food vacuole. Containing the undigested food residue, it becomes stationary, and as amoeba moves forward, this vacuole keeps on pushing backward into the endoplasm and ultimately it touches the plasma lemma of amoeba and is ejected out of the body. The place from where the Undigested food material is ejected out, gets broken, and it is mended automatically by the uh, amoeba's uh, regenerating surface of body's regenerating plasma membrane.